पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वारंट जारी होने के बाद बेल एप्लीकेशन तैयार कराने मुरादाबाद पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल। अमीषा पटेल के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के केस में जारी हुए वारंट के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार कराने के लिए वो खुद सोमवार को मुरादाबाद पहुंची। अधिवक्ता अभिषेक शर्मा के चैम्बर पर गुप्त तरीके से पहुंचकर प्रार्थना पत्र तैयार करवाया गया, जिसके बाद वो हस्ताक्षर करके चली गई। इवेंट कंपनी के मैनेजर पवन वर्मा के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को 2017 में पागबड़ा क्षेत्र के 5-स्टार होटल में कार्यक्रम में आना था, जहां पर उन्हें परफॉर्मेंस करनी थी। इसके लिए इवेंट कंपनी ने उन्हें लाखों रुपए का भुगतान भी कर दिया था, लेकिन लास्ट समय पर उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर दिया और वो नहीं आई। पवन वर्मा के द्वारा अमीषा पटेल के खिलाफ एक कंप्लेंट केस फाइल की गई थी, जिसमें अमीषा पटेल के खिलाफ जमानती वारंट न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं। आज ये मुरादाबाद कचहरी में उपस्थित हुई और अपने अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा के पास आकर अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन तैयार करा कर गई हैं। क्या आरोप है इनके खिलाफ? 406 का आरोप है, 120 बी का है इनके और इनके जो एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट। उनका एलिगेशन है कि कोई एविडेंस नहीं है। हमारे पास संपूर्ण साक्ष्य हैं जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा जिस समय बेल एप्लीकेशन प्रोड्यूस होगी। क्या कार्रवाई रहेगी आगे? बेल के ऊपर डिपेंड करता है, साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करते हैं, लेकिन हम अपना पक्ष जरूर रखेंगे कोर्ट के सामने। कितना ओल्ड, कितना पुराना मामला? ये केस हो गया आपका 2007 का है, 2017 का है। अभी किस पोजीशन में केस? इनके खिलाफ न्यायालय द्वारा जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ये अपीयर नहीं हो रही है उसमें। देखिए, अमीषा पटेल को हमने एक फंक्शन के लिए बुलाया था जिसमें उन्होंने डांस करना था और हमसे जो है सारे पैसे भी ले लिए गए थे एडवांस में। उनके जो एक पीआर कंपनी होती है जिनके थ्रू ये सब लोग काम करते हैं, उस पीआर कंपनी को हमने पैसा दिया। बकायदा हमारी बात हुई, चूँकि फंक्शन एक दिन पहले ही वो सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी, अगले दिन फंक्शन होना था। वो दिल्ली तक हमारे खर्चे पे सारे उस पे वो आई, हमने एयर टिकट दिया उनको हमारे कहने पे, होटल में रुकी, खाना पीना खाया, गाड़ी दी, सब कुछ दी। उसके बाद वो वहाँ से बिना बताए चली गई। इसका हमारे पास प्रूफ है, हमें JW मेरिट होटल में ठहराया था, उन्होंने हमें लिख के दिया है कि आपकी गैस अमीषा पटेल बिना चेकआउट की फॉर्मेलिटी करे यहाँ से चली गई। उसके बाद हमने एक कोर्ट में जो है अपने वकील साहब के थ्रू एक केस डाला, कंप्लेंट केस डाला, जिस पर कार्रवाई हुई। काफ़ी समय से चलता चला रहा था, कई बार उनके सम्मन भेजे, सम्मन का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उनके वारंट हुए, 20,000 रुपये की जमानती वारंट उनके हुए, उसके बाद भी नहीं आई। तो आज पता चला कि वो चुपचाप गुप्त तरीके से अपने कोई अधिवक्ता उन्होंने यहाँ किए हैं और अपनी अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उस पर साइन करके चली गई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।